हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 13 से बात करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि जो है बेसिकली क्वेश्चन नंबर हमने 12 तक कवर किया था, 10, 11, 12 भी इस वीडियो में हमारे ख्याल से है। उसके प्रीवियस वीडियो में 4 से लेकर के 9 क्वेश्चन अपलोडेड हुए थे, तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि डे बाई डे इस चैनल पर जुड़ी और फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक क्वेश्चन, यदि आपको बारीकी से एनसीईआरटी सीखनी है तो आपको मैथ्स वाला पेज जुड़ना पड़ेगा और उसे लाइक करेंगे तो पर डे के आपको वीडियोज मिलते रहेंगे और अच्छे से आप वॉच करते रहेंगे और आप अच्छे से क्वेश्चंस समझ में आते रहेंगे। यदि आप किसी कोई पहली बार देख रहे हो मेरे भाई बहन, तो जरूर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब से करें और बेसिकली जो है फिर इसके बाद कंटिन्यू करें वॉच करना और अच्छे से देखें और अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखें। एक एक रत्ती रत्ती चीजें हम आपको मैथ के क्वेश्चन की सॉल्विंग देंगे, आगे बस समझ में। तो चलिए सर, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ए डाइस थ्रोन वंस, ध्यान दीजिएगा सर। आप देखते होंगे जब डाइस को थ्रोन करते होंगे तो आपने देखा होगा लूडो खेलते हो, डाइस मतलब लूडो, तो इस तरीके से उसमें देखिए टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस। इसका मतलब हो गया कि टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स वो हमारे पास कितना हो गया, 6 हो गया। उसमें सर क्या होता है, 1 से लेकर के 6 तक की नंबरिंग होती है। एक किसी फेस पे 1 होता है, किसी फेस पे 2 होता है, किसी फेस पे 3 होता है, किसी फेस पे 4 होता है, क्योंकि डाइस के अंदर टोटल 6 फेस होते हैं, तो 6 नंबर लिखे गए 1 से लेके 6 तक। क्लियर हो गया। अब आगे हमने आपको डाइस का कहानी थोड़ा सा सुना दिया। अब इन्होंने कहा कि ए प्राइम नंबर है सर, दूसरा बोला ए नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6 और तीसरा बोला एन ऑड नंबर बोल दिया सर। तो हम इस तरीके से तो पहले काम क्या करते हैं सर, दिले की इवेंट के बारे में बात करते हैं। तो इवेंट हमारे पास क्या है सर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड क्या है सर, 6 है। टोटल 6 इवेंट है, मतलब 6 फेस है डाइस में, इसलिए 6 हो गया, ठीक है ना सर जी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया सर, ध्यान से समझते रहिए। टोटल नंबर ऑफ क्या लिखेंगे सर, आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप यहाँ पे देख सकते हो सर, 6 है। कितना मेरे भाई, 6 है। अब इस तरीके से जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपने क्या लिख लिया सर, 6 लिख लिया। अब इस तरीके से जो है यहाँ पे सबसे पहला काम होता है सर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला राइट डाउन करना। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे। तो ये काम सबसे पहला आपके लिए मस्ट होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे सर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स राइट डाउन करेंगे। क्या लिखेंगे सर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप राइट डाउन करेंगे, ओके। अब इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी आपने फर्स्ट पार्ट देखिए सर, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बोला ए प्राइम नंबर, क्या बोला सर जी, ए प्राइम नंबर। तो आपको सबसे पहले ये चीज समझना होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो आपने सीखा भी होगा सर, हमारा सबसे पहला क्लास में जो सिखाया हूँ प्राइम नंबर के बारे में, वहां पे हमने पहले वीडियो में सबसे जो पहले अपलोडिंग की थी सर 7-8 महीने पहले, उसमें ये चीज लिखा था। बट कोई बात नहीं, आज फिर से देख लेते हैं सर। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर वन होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। दोज नंबर व्हिच कैन डिवाइड बाय इटसेल्फ और वन, दैट आर कॉल्ड क्या कहलाता है, प्राइम नंबर्स कहलाता है, ओके। तो इस तरीके से जो आपके सामने से प्राइम नंबर के बारे में जिक्र किया गया, तो प्राइम नंबर यहाँ से देखिए सर, वन काउंट नहीं होता, वन तो वन से है ही खुद, लेकिन अनदर ऐसा, ठीक है, दो ऑप्शन चाहिए, खुद से और वन से। तो वन से तो वन टू वन है ही, बट खुद वाले मतलब, यहाँ समझ लेना मेरी बात को। तो इस तरीके से मेरे भैया इसमें क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो ए प्राइम नंबर में हमारे पास 3 इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी आप ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, तो यहाँ पे जो है गेटिंग ए प्राइम नंबर, ठीक है ना भैया, क्या है प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर रहे हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं ए गेटिंग प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो गेटिंग ए प्राइम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई सर, ध्यान से समझिएगा, तो इसमें जो इवेंट आया सर वो कौन कौन से, 2, 3 और 5 है, क्लियर। तो मतलब टोटल आउटकम इन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया सर, 3 हो गया, ठीक है ना। टोटल आउटकम कितना सर, 6 है, एंड भैया टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपने लिख रखा है 6 है। तो इस तरीके से 3/6 का मतलब 3 1 3 3 2 6, दैट मींस कितना आ गया सर, 1/2 आ गया सर, बोल क्लियर। अब इसके बाद जो सर नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट में इन्होंने कहा कि ए नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6, अब आपको प्रोबेबिलिटी वो फाइंड आउट करना है गेटिंग ए नंबर, ध्यान दीजिए सर, लिखेंगे गेटिंग ए नंबर लाइन बिटवीन, ध्यान से समझते रहिए मेरे भाई बहन, गेटिंग ए नंबर लाइन बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, लाइन बिटवीन आप लिखेंगे 2 एंड 6। तो उस पर्टिकुलर केस में मतलब प्रोबेबिलिटी जो आप लिखना चाहते हैं एक ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स को जो 2 और 6 के बीच में क्या करता है सर, लाई करता है। तो जो 2 और 6 के बीच में लाई करता है, तो उसके बारे में आप जिक्र करें, तो यहाँ देखिए सर 2 और 6 के बीच में देखिए 3, 4, 5 है सर, क्या है, 3, 4, 5 आ रहा है, दैट मीन्स अगेन फर्दर जो है 3, 4, 5, देखिए समझिए बात को, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, क्योंकि इसने बोला 2 एंड 6 बिटवीन बोला है, तो मतलब ना तो 2 और ना तो 6, केवल ये बीच के 3 नंबर्स आ गए 3, 4, 5, मतलब फेवरेबल आउटकम में कितना आ गया, 3 आ गया। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना, ओनली वन टाइम राइट डाउन करना, ओके। अब इस तरीके से 3 अपन कितना हो गया मेरे भाई बहन, 6 हो गया। तो अब इस तरीके 3 1 3 3 2 कितना आ गया, 6 आ गया, 1/2 अगेन फर्दर ऑब्टेन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट एक कंडीशन एंड ऑड नंबर के बारे में बोला गया, तो तीसरा पार्ट है एंड ऑड नंबर। ऑड नंबर के बारे में देखिए मेरे भाई बहन, कितना
आसान तरीके से आप सीखेंगे। तो जब आप ऑर्डर नंबर के बारे में बात करते हैं तो ऑर्डर में शब्द के 1A, 3A और के FI। आप ऑर्डर नंबर अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ऐसे पर्टिकुलर नंबर जो बेसिकली दो से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम ऑर्डर नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे 1 है, 3 है और इसके बाद 5 है 1 डाइस के केस में, इस तरीके से आपके अगेन फर्दर 3 हो गए तो आपका प्रोबेबिलिटी हो गया सर एन ऑर्ड नंबर का। एन ऑड नंबर का उस केस में कितना हो गया, नंबर फेवरेबल जो आउटकम्स हो गया अगेन फर्दर 3 हो गया, अपॉन कितना हो गया 6 हो गया, टोटल आउटकम 3 कितना गया सर 1/2 आ गया। तो कहने का मतलब जब आप प्राइम नंबर के बारे में जिक्र कर रहे थे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास अगेन फर्दर 3 आपके थे तो 3/6 के दैट मींस 1/2 आ गया। इसके बाद एक नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6 ऐसा नंबर जो 2 और 6 के बीच में लाई करता है, तो 2 और 6 के बीच में आपने देखा कि 3 4 5 मतलब टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम यहां पे 3 हो रहा था तो आपने 3/6 लिख दिया। इसी तरीके से जब ऑड नंबर की बात की गई तो ऑड नंबर में भी आपने देखा कि 1 3 5 है जो बेसिकली 2 से डिवाइड नहीं होता, इस वजह से इसको प्राइम नंबर कहते हैं। बाकी रिमेनिंग 2 से डिवाइड है दैट मींस इवन नंबर है। तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो है आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी जो है आपको मिल गया कितना, 1/2 मिल गया। ओके, बोलो आया समझ में, नहीं कहीं पे कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे मेरे भाई बहन लोग। बोलो आया समझ में या नहीं, एनी डाउट? अब चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चमत्कारी क्वेश्चन है, ध्यान से बस आप देखिए और अच्छे से समझिएगा। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो काफी ये बेहद अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन था, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे मेरे भाई बहन लोग, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, आपके सामने दिया गया सर जी फाइल यहाँ पे दिया है, 1 कॉर्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कॉर्ड्स। बेसिकली देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स आपको दे रखा सर जी, आप ब्रेक डाउन कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स के बारे में आपको गिवेन है सर। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स जो आपको दे रखा है सर वो 52 गिवेन है। कितने गिवेन है सर, 52 आपके पास गिवेन है सर। इसके बाद फिर इन्होंने आपसे ये कहा कि बेसिकली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फर्स्ट पॉट ए किंग ऑफ रेड कलर। तो यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बात बोला है। तो हमने यहाँ पे जब देखिए सर जी जो कार्ड होते हैं टोटल उसमें 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं आपके पास से, बेसिकली जो रेड होता है, हार्ट ऑफ डायमंड होता है, रेड हार्ट, ठीक है ना भाई। तो अब यहाँ पे बेसिकली जैसे एक हार्ट हो गया, फिर रेड हार्ट, ठीक है, डायमंड हो गया, फिर इसके बाद जो है आपके बेसिकली स्पेड हो गया, फिर इसके बाद ब्लैक, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब जो एक तरीके से आपको हिंदी भाषा में कहा जाए तो लालपान होता है, चीड़ी होता है और ईंट होता है और इसके बाद जो है ब्लैक डैम आपका जो है ब्लैक आपका हो गया। तो इस तरीके से जो हुक्म होता है तो ये 4 प्रकार भागों में बांटे गए हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले इसने कहा कि ए किंग ऑफ रेड कलर। तो देखिए सर जी समझना ये है कि बेसिकली आपका फॉलिकॉम क्या होता है सर, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखना। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्या लिखेंगे सर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। पहला काम होता है सर आप फार्मूला राइट डाउन कर लीजिए एंड डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे सर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स राइट डाउन करेंगे। अब इस तरीके से जो है आपके पास फार्मूला बन गया सर, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट इसने कहा कि ए रेड, ध्यान से समझिए, टोटल 6 पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब इन्होंने आपसे ये कहा सर जी, लिखा हुआ है कि सर ए किंग ऑफ रेड कलर, ध्यान से समझिएगा, ए किंग ऑफ रेड कलर। तो मेरे भाई आपको ये समझना होगा टोटल जो बेसिकली हमारे पास रेड किंग होते हैं वो, मतलब टोटल सॉरी किंग होते हैं वो 4 होते हैं, 2 ब्लैक में होते हैं और 2 रेड में होते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली जो है पी गेटिंग, आई मीन आप लिखेंगे पी गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कलर, मतलब गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, गेटिंग ए किंग ऑफ क्या लिखेंगे, किंग ऑफ रेड कलर राइट डाउन करेंगे सर जी। तो इस तरीके से जो है आपके पास यहाँ पे बात बताई, अभी मैंने थोड़ा सा आपके पास जिक्र किया कि गेटिंग ए किंग ऑफ क्या बोला गया सर, रेड कलर बोला गया है। तो अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितना सर, 52 है, कितना सर 52 है। अब आने के जो चांस है वो कितना हो गया सर, 2 हो गया। तो इस तरीके से गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर का जो बेसिकली आपके पास वैल्यू हो गया 2/ कितना 52, तो 2 × 2 ये 26, दैट मींस 1/ कितना आ गया 26 आ गया। बोलो आया समझ में नहीं, तो आपके गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर के आने का जो चांस हुआ वो कितना हो गया, 1/26 हो गया। दूसरा पार्ट है आपके पास फेस कार्ड लिखा हुआ सर, अब फेस कार्ड का मतलब समझते हैं जिसमें चेहरे बने होते हैं, बात आई सर जी, चेहरे बने होते हैं, ये कैसा बात हो गया। तो ये चीज आपको अच्छे से क्या होगा सर, समझना होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। चलिए सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं सर। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा फेस कार्ड के बारे में। तो जब आप फेस कार्ड के बारे में बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, समझिएगा सर, फेस कार्ड का मतलब जिसमें चित्र बने होते हैं सर। तो आपका देखिए सर, आपके पास टोटल कितने 4 टाइप के हैं, क्लियर, ध्यान से समझिएगा। तो एक आपका सर जी फेस कार्ड में किंग आता है, क्वीन आता है, और इसके बाद जैक आता है सर। कितना आता है सर? जैक आता है। ये 3 प्रकार की चीजें आती हैं। तो फेस कार्ड की जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो देखिए सर, किंग क्वीन एक मतलब एक पार्ट में 3 तरीके, टोटल कितने तरीके के, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो 3 × कितना हो गया, 4 हो गया। दैट मींस कितना आ गया सर, 12 आ गया। तो इसका मतलब आज से आपको याद रखना है कि जो टोटल फेस कार्ड होते हैं वो 12 होते हैं सर। कितने होते हैं? 12 होते हैं सर। तो 12 अपॉन कितना हो गया सर, भैया देखो 4 तरीके के किंग हो गए, 4 तरीके के, 4 किंग हो गया, 4 क्वीन हो गया, 4 जैक हो गया। अब देख लो सर कितना आ गया, 4 × 3 = 12 हुआ या नहीं हुआ, बोलो, आया। अब इस तरीके से 12 अपॉन कितना हो गया सर, सॉरी 52 हो गया। कितना हो गया सर जी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 52। तो 12 का 1 × 12 और 12 का टेबल मींस जो है 4, आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सर, 4 का टेबल आप पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ेंगे सर, ध्यान से समझिए, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आप यहाँ पे 3 का टेबल, आपने 4 से कैंसिल आउट है, 4 × 3 जो कितना होता है, 12 होता है, 4 × 1 = 4 हो गया, 4 × 3 जो, तो 3 अपॉन कितना आ गया, 13 आपके पास आ गया। तो दैट मींस ये आ गया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड के आपके पास ऑब्टेन हो गया वो 3 अपॉन कितना हो गया, 13 हो गया। अब इसी तरीके से जो है सर, नेक्स्ट आप ऑब्टेन करेंगे सर, थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। इन्होंने कहा है सर ए रेड फेस कार्ड के बारे में, ध्यान दीजिएगा सर, आपके पास क्या बोला गया सर, रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड के बारे में आप जी करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड आप पिक करें तो उस पर्टिकुलर केस में देखिए सर, यहाँ पे जैसे किंग है तो 2 रेड किंग होगा सर, कितना होगा, 2 रेड होगा, 2 आपका बेसिकली क्या होगा, क्वीन में होगा, 2 आपका क्या होगा सर, जैक में होगा, रेड मतलब रेड कलर बोला है ना सर। तो 2 एक आपका बेसिकली क्या है, मीन्स लालपन है, और एक दूसरा क्या है भाई, ईट का बेसिकली पत्ती है, डायमंड है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि रेड, ठीक, तो इस तरीके से 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, और 2 यहाँ से हो गए, तो इस तरीके से टोटल हो गए 6। तो 6 अपॉन कितना हो गया टोटल, तो रेड फेस कलर में 6 अपॉन आपका बेसिकली 52 कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 52 है। तो उस केस में आप यहाँ पे 2 से, तो ये 3 अपॉन में कितना आ गया, 2 × 3 = 36 हो गया, बोलो आया समझ में, 2 के टेबल से आपने कैंसिल कर लिया, बोलो आगे समझ में। नेक्स्ट है नंबर 4, ध्यान से समझिएगा सर, 4 में ये कहा गया कि द जैक ऑफ हार्ट के बारे में बताइए। तो जैक ध्यान से समझने की बात है कि सर जी इन्होंने क्या बोला, द जैक ऑफ हार्ट। अब जैक ऑफ हार्ट का मतलब क्या हो गया, जैक ऑफ हार्ट ये देखिए सर जी यहाँ पे, तो जैक ऑफ हार्ट लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जैक मींस ए जैक ऑफ हार्ट, क्या बोला सर इसने, ए जैक ऑफ हार्ट। तो ये जैक ऑफ हार्ट्स के बारे में जब आप बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी सर, उस केस में जो आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी जैक ऑफ हार्ट, टोटल देखिए समझिएगा सर, जैक यहाँ पे टोटल कितने हैं, 4 है, पर यहाँ पे हार्ट की बात की तो जैक ऑफ हार्ट में सर 1 हो गया, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 52 आपके पास बन करके आ जाएगा, ओके। क्योंकि इसने जैक ऑफ हार्ट के बारे में बात किया, तो 2 प्रकार के हार्ट होते, मीन्स जैक ऑफ हार्ट जब बोलेंगे तो आप ये केवल दिल का बना हुआ। तो देखिए सर, ये समझने की चीज़ है कि जब आपके पास बेसिकली क्या बोला गया, जैक ऑफ हार्ट बोला गया, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे सर जी, 1 अपॉन समथिंग करेंगे, बोलो क्लियर हो गया, 52 आ गया, ओके। क्योंकि बेसिकली जैक ऑफ हार्ट केवल एक होगा, क्योंकि देखो एक रेड, रेड ऐसा तो कोई मेंशन नहीं किया, जैक ऑफ हार्ट बोला, क्लियर हो गया, तो 1/52 लिखेंगे। इसके बाद नंबर 5 है सर, 5 में इन्होंने कहा है सर ए स्पेड, ध्यान से समझिएगा, स्पीड जो होता है टोटल कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीड, ए स्पीड बोला है, तो स्पीड सर 13 होता है सर, कितना होता है, 13 अपॉन में कितना हो गया सर, 13 अपॉन कितना हो गया, 52 हो गया, दैट मींस 13 × 1 = 4 = 1 अपॉन कितना आ गया सर, 4 आ गया, बोलो आया समझ में। ये क्या हो गया सर जी, स्पीड क्या आने का, तो स्पीड जो होता है सर 4 प्रकार का हो गया, क्लियर हो गया, स्पीड मतलब चीज जिसे बोलते हैं, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपके पास जो है बेसिकली कितना आ गया, 1/4 आ गया। लास्ट वन है सर द क्वीन ऑफ डायमंड, बताइए। देखिए सर इन्होंने फिर से अगेन बोला नंबर 6 पार्ट के बारे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, क्या बोला सर, ए क्वीन ऑफ डायमंड। तो क्वीन ऑफ डायमंड के बारे में आप बात करेंगे तो सर जी क्या आएगा सर, ध्यान से समझिएगा, क्वीन ऑफ डायमंड के बारे में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड में क्वीन कितना होगा सर, एक ही होगा ना, तो 1/1 कितना हो गया सर, 52 हो गया, बोलो आया समझ में। तो इस तरीके से बेसिकली क्या है, वैल्यूज को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो देखिए टोटल 6 पार्ट थे और आपने हर एक बेसिकली पार्ट्स को क्या है सर, ध्यान से देखा और अच्छे से सीखा कि किस तरीके से बेसिकली जो है हम खास तौर पे ये क्वेश्चंस करते हैं, ओके। तो जहाँ पे भी कहीं डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना नहीं भूलेंगे, आप इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल बाकायदे ध्यान से वॉच कर लेंगे, कहीं पर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे भाई बहन लिखना नहीं भूलना है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्मार्ट वीडियो, थैंक यू।